नमस्कार दोस्तों, चस्काई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली में बहुत सारे टूम गार्डन्स हैं, मैं भी इस समय एक टूम गार्डन में ही हूँ। ये है लोधी एरा का छोटे खान और बड़े खान का मकबरा। मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा ग्रैंड है। भव्य मकबरे के मुकाबले इसका जो गार्डन है वो इस समय थोड़ा छोटा लग रहा है। ऐसा लगता है कि पहले ये काफ़ी बड़ा रहा होगा, लेकिन दिल्ली की तमाम जगहों की तरह ही यहाँ पर भी अब ये एक घनी बस्ती है जिसके बीच में आ चुका है। निश्चित तौर पर ही समय के साथ इसमें गार्डन का जो भाग है वो इंक्रोचमेंट में चला गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोधी एरा का एक जेम है जिसको ये दिखा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ही भव्य हैं, लेकिन इसके बारे में यहाँ कोई भी लिखित इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि बड़े खां की टूम के सामने बड़े खां की टूम और छोटे खां की टूम के सामने छोटे खां की टूम लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि या तो ये पिता और पुत्र रहे होंगे या फिर बड़े खां और छोटे खां का आपस में रिश्ता एक गुरु शिष्य का रहा होगा। पर बड़े खां और छोटे खां अलग अलग कौन लोग थे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इस इमारत के जो लाल पत्थर हैं उस पर जिस तरीके से जालियां बनी हुई हैं, मेन गुंबद है, ऊपर इसमें छतरियां हैं और बड़ा गुंबद है, मेहराबे हैं, ये सब इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अगर आप कभी लोधी गार्डन गए हों और वहां पर आपने बड़ा गुंबद देखा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है लोधी गार्डन के बड़ा गुंबद से, और उतना ही अट्रैक्टिव भी। इस शानदार लाल पत्थर पर बनी हुई जाली को आप देखिए, ये डेफिनेट तौर पर इसको बहुत ज़्यादा आकर्षक बना रही है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये है बड़े खां की टूम और इसका दरवाज़ा लकीली खुला हुआ है, और इसमें जो मेन कब्र है वो काफ़ी बड़ी है, वो है बड़े खां की, बाकी उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर दफन हैं। इस इमारत की एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो जिस तरीके का बीच में पार्टीशन किया गया है ऐसा लगता है कि ये 3 मंजिली इमारत होगी, लेकिन ये केवल एक बाहर से ऐसा सेंस दे रही है, अंदर से ऐसा नहीं है। जहाँ बड़े खां का मकबरा ऐसा लगता है देखने में कि 3 मंजिली इमारत होगी, वहीं आप अगर इसको देखें, ये है छोटे खां का मकबरा, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 मंजिली इमारत है। निश्चित तौर पर ये बड़े खां के मकबरे से छोटा है, लेकिन ये केवल एहसास दिला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी है नहीं।
इसके ऊपर यहाँ पर लगी हुई नीली टाइल्स अभी थोड़ी सी बची हुई है, जो बता रही है कि पहले इसमें टाइल्स रही होंगी और ये इमारत ज़बरदस्त लगती रही होगी। लकीली आज ये मॉन्यूमेंट्स खुले हुए मिले हैं, तो अब चलते हैं अंदर छोटे खां के टोम के। बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटेड ये अंदर से है और देखने लायक है। इस जगह पर जो ये दो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ग्रैंड निकले। और यहाँ पर इस समय मौसम बहुत अच्छा है, चिड़ियों की चहल पहल है, तो मन खुश हो गया है। इसी के साथ मेरा यहाँ से निकलने का भी समय आ गया है। आप यहाँ पर मेट्रो से पहुँच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है साउथ एक्सटेंशन, और साउथ एक्सटेंशन के ही कोटला मुबारकपुर नाम की कॉलोनी में ये बना हुआ है।